ओके आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारा कितवा चैप्टर है जी? दिस इज अवर नाइन्थ चैप्टर। अब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री एक्साइटिंग है क्या आपके लिए? कोई नया कंसेप्ट हो? बिल्कुल कौन है जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता? बार हम ऐसे सीखेंगे कि हमें जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन भाई जो टेंथ के पहले ट्रिग्नोमेट्री सीखा था और जो अब सीखने वाले हैं या फिर अब देखने वाले हैं? टेंथ के पहले जो देखा था उसी को कैरी करके हम आगे जाने वाले हैं, बट टेंथ तक हमने ट्रिग्नोमेट्री को एज अ रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के टर्म में देखा था। हम शॉर्ट में कैसे बोलेंगे, बिफोर 11th हमने ट्रिग्नोमेट्री को एज अ रेशियो ट्रीट किया था, अब हम उसको एज अ फंक्शन ट्रीट करना सीखने वाले, ठीक है। अब तक हमने सिर्फ एंगल जो रहता था वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक देखे, बराबर है। अब हम पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन यूज करने वाले हैं जिसके अंदर 360 डिग्री होता है, या फिर हम बोलेंगे कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स, वो सारा का सारा पार्ट देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। These are actually two words, trigon and metron. Trigon का मतलब रहता है जी ट्रायंगल, पॉलीगॉन, पेंटागॉन मतलब कितने साइड्स? 5। ट्रायगॉन मतलब कितने साइड्स? 3। ट्रायगॉन या फिर हम अभी इसको ट्रायंगल बुलाते हैं। एंड मेट्रन का मतलब रहता है जी मेजर। अभी टेंथ तक ना हमने ट्रायंगल के बारे में सब से, ट्रायंगल के अंदर कितने साइड्स और कितने एंगल्स होते हैं? 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स, ये बराबर है। तो भाई अब तक हमने सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किया था, अब हम हर एक ट्रायंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने वाले। बेसिकली हम एडवांस जा रहे हैं, अब तक सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा। सो मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स मतलब क्या रहेगा हमारा? ट्रिग्नोमेट्री। साइड्स के रिस्पेक्ट में हम एंगल्स निकाल सकते हैं या फिर एंगल्स के रिस्पेक्ट में हम साइड्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें से एक बेसिक पार्ट हम क्या जानते हैं, बिकॉज़ ट्रायंगल कंसिस्ट ऑफ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। अभी साइड्स मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशन के हिसाब से कौन सा वाला पार्ट आता है? लेंथ आएगा, बराबर। बट ये एंगल्स में हमारा क्या आता है जी? एंगल्स बेसिकली क्या होता है? रोटेशन होता है। एंगल्स मतलब बेसिकली रोटेशन होता है। अब ये लेंथ जो रहता है ना, यहाँ पर क्या होता है जी, आपका पॉइंट से लेकर पॉइंट तक, मतलब आपका पॉइंट का जो इनिशियल पोजीशन था और पॉइंट का फाइनल पोजीशन, इसके बीच में जो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं इसी को हम क्या बुलाएंगे? लेंथ, विच इज एक्चुअली ट्रायंगल का साइड बताएगा। बट ये रोटेशन मतलब क्या होता है? ये पॉइंट से रिलेटेड नहीं रहता है, ये एक रे या फिर आप किससे बोल सकते हो, ये साइड से रिलेटेड है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट किया तो हमारा साइड बनेगा, बट नाउ इस साइड का इनिशियल पोजिशन एक रहेगा और एक फाइनल पोजिशन रहेगा। बट ये साइड के जो दो एंड पॉइंट्स है इसमें से एक पॉइंट को हमने क्या रखा है जी? फिक्स रखा है, और सिर्फ हम कौन से पॉइंट को मूव करना अलाउ कर रहे हैं? दूसरे वाले को। ये समझ में आ रहा है? घड़ी के कांटे उनका एक एंड फिक्स होता है, उनका सिर्फ कौन सा एंड मूव करना अलाउड होता है जी? सेकंड वाला, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला पार्ट जो मूव करने के लिए अलाउड किया हमने, जैसे यहाँ पर गया, तो यहाँ पर ये हमारा इनिशियल पोजीशन ऑफ दिस साइड, एंड आफ्टर रोटेशन ये क्या हो गया? फाइनल पोजीशन ऑफ दिस साइड। अब ये जो पोजीशन चेंज हुआ उसमें ये वाला पॉइंट तो फिक्स था, आपका सिर्फ किसका पॉइंट, किसका लोकेशन चेंज हुआ? ये पॉइंट छोड़ के आपके हर एक पॉइंट का
लोकेशन चेंज हुआ देख, ये फिक्स पॉइंट छोड़ के बाकी सारे के सारे पॉइंट्स का लोकेशन चेंज हुआ। पर इसको अगर आप लेंथ की टर्म में अगर देखो भाई, जो पास वाला पॉइंट था इसका कम डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो मिडल वाला था उसका कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो सबसे एंड वाला पॉइंट था उसका सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ। बट व्हाट इज द कांस्टेंट पार्ट जिनकी वजह से बोल सकते हैं कि भाई ये साइड रोटेट किया, मतलब ये कांस्टेंट पार्ट जो वेरिएबल की तरह हम बोल सकते हैं, वेरिएबल की तरह मतलब एज अ थीटा, ठीक है। अगर मैंने बोला भाई ये 30 डिग्री है तो भाई एवरी पॉइंट इज रोटेटेड एट 30 डिग्री हम ऐसा बोल सकते हैं। बट ये जो इनका पोजिशन है उसकी वजह से ये जो इनका डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया वैरी करता गया, पास वाले पॉइंट का ज़्यादा नहीं हुआ, छोटा हुआ, मिडल वाले पॉइंट का कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ, सबसे ज़्यादा एंड वाले पॉइंट का हो गया। बट ये रोटेशन के टाइम पे जो पार्ट फिक्स था हम उसका हेल्प करते, ठीक है। तो एक पॉइंट के अलॉन्ग जो हमारा रोटेशन होता है हम उसी को क्या बोलते हैं जी, क्रिएशन ऑफ एंगल्स, क्रिएशन ऑफ एंगल्स, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री क्या है वो तो पता चल गया, हम ट्रायंगल का पूरा पार्ट मेजर करने वाले। अब उसमें से हम सबसे पहले कहाँ पर शुरुआत करेंगे, एंगल्स के ऊपर, क्योंकि भाई साइड से हम जा रहे हैं। इसके अंदर हमारा फर्स्ट कंसेप्ट इज गोइंग टू बी मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ये मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में जाते टाइम हम सबसे पहले क्या देखेंगे जी, ये एंगल मतलब होता है, व्हाट इज एंगल, ट्री नाम का एक ज्योमेट्रिक शेप जानते हो ना, लाइन सेगमेंट क्या होता है उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, रे का सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, एक साइड पे वो इंफिनिट जाता है। इसमें इसका डायरेक्शन कभी चेंज होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। तो लाइक जैसे हमने क्या कंसीडर किया, एक ज्योमेट्रिक एलिमेंट दैट इज रे, ओ ए, इसको रे बोलो या फिर वेक्टर बोलो चल जाए, रे पकड़ के चलता है। ये डायग्राम भी बनाना है, ये इस रे का क्या है जी, एक इनिशियल पोजीशन है। एंड अगर मैंने OA इसको अगर एक रेडियस अगर अज्यूम किया एंड O को सेंटर पकड़ के अगर मैंने इसको शिफ्ट अगर किया तो ये मेरा नया पोजीशन मैंने लेजर से बोला OA डैश, ये मेरा क्या है जी इसका फाइनल पोजीशन। सो यहाँ पर पॉइंट O जो कि एक फिक्स पॉइंट है, इसके अलावा OA से लेकर OA डैश इनके बीच में जो एक कोन बना, कोनिकल सेक्शन बना, एक एंगल बनता है, ठीक है। फिर हम कैसा बोल सकते हैं, ये इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन का जो मीटिंग पॉइंट है O कांस्टेंट जो दोनों के लिए, वहां पर जो आपका एंगल चेंज ड्यू टू रोटेशन आया है इट इज कॉल्ड एज एंगल। सबसे पहले डायग्राम बना लो, हम इसको एक स्टेटमेंट वाले फॉर्मेट में भी लिखेंगे। कंसीडर रे OA कंसीडर रे OA एंड we rotate ray OA along fixed point O, भाई a dash की जगह अगर कुछ और लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, लिखते समय वो भी लिखो along fixed point O
सो इट्स न्यू या फिर स्पाइनल पोजिशन इज रे ओबी. Rotation of ray OA to ray OB along point O generates angle AOB. एंगल एग्जैक्टली कंसेप्ट नहीं है, इसका जनरेशन या फिर इसका क्रिएशन कैसे होता है वो समझना है जरूरी. व्हेनेवर अ स्ट्रेट लाइन इज रोटेटेड अलोंग ए फिक्स्ड पॉइंट वहां पर आपका किसका क्रिएशन होता है एंगल का. ये क्लियर है. ये एंगल के लिए हमें कितने साइड्स चाहिए रहेंगे, हमें दो साइड्स चाहिए रहेंगे. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट है. एंगल क्या है वो तो समझ में आ गया. अब देखेंगे जी व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल. अमाउंट ऑफ रोटेशन अलोंग फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड मेजर ऑफ एंगल. अमाउंट ऑफ रोटेशन अलॉन्ग फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड मेजर ऑफ एंगल. देखिए रोटेशन इनिशियल एंड फाइनल साइड के बीच में रहेगा. एवरीवन क्लियर है. तो हमें यहाँ पर क्या पता चलता है, एक एंगल बनाने के लिए हमें कितने साइड्स होने चाहिए, दो साइड्स. आपका एक इनिशियल साइड रहेगा और आपका एक टर्मिनल या फिर फाइनल साइड रहेगा. ठीक है, मेजर ऑफ एंगल के साथ ही हम क्या देख रहे हैं जी, सेंस ऑफ एंगल. जैसे कि हमने दो चीजें पढ़े, दो केसेस पर पढ़े, दोनों जगह पर हमने एक पकड़ा जी रो रे ओए. अब ये उसका क्या है जी, इनिशियल पोजीशन है. अब ये जो रोटेशन रहेगा इसका सेंस हमें दो तरीके से किया. लेट्स जस्ट से हमारा जो फाइनल पोजीशन है या फिर जो हमारा टर्मिनल पोजीशन है वो यहाँ पर आया सबसे पहले, और दूसरा वाला टर्मिनल पोजीशन हमने कहाँ पर लिया है जी, यहाँ पर लिया. और दोनों टाइम पे क्या किया जी, हमने ना कांस्टेंट दोनों टाइम पे हमने कितना किया रोटेशन, सिर्फ थीटा का ही. ठीक है, दोनों टाइम पे सेम अमाउंट ऑफ रोटेशन किया, बट रोटेशन का जो सेंस था वो क्या किया जी, हर बार अलग किया. यहाँ पर हमारा सेंस कैसा है जी, एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पर हमारा रोटेशन कैसा है जी, क्लॉकवाइज. तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन रहता है, मतलब इनिशियल से लेकर टर्मिनल पे ये जो रोटेशन हुआ है, इस रोटेशन को हम कौनसी डायरेक्शन में बोलते हैं जी, दिस रोटेशन इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन. तो हम इसको पॉजिटिव थीटा या फिर प्लस थीटा, नॉर्मल थीटा बोला तो भी चलता. ठीक है, अरे पर आपका क्लॉकवाइज में जो रहता है ये डायरेक्शन या फिर ये सेंस जैसा पकड़ते हैं जी, नेगेटिव. इसलिए तो अगर आपका क्लॉकवाइज अगर जाएगा तो यहाँ पर आपका रोटेशन थीटा का होगा, रोटेशन ऑफ प्लस थीटा बोलेंगे हम यहाँ पर.
यहाँ पर हम क्या बनेंगे, हियर इज द रोटेशन ऑफ माइनस थीटा। रोटेट कितना हो रहा है वो तो मेजर हो गया, बट कौन से सेंस में हो रहा है ये आपका नेक्स्ट पॉइंट। साइड का लेंथ देखो सेम रहता है, ए से बी तक गिनो या फिर बी से लेकर ए तक गिनो, यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ एंगल तो रहेगा ही, बट आपका एक सेंस ऑफ एंगल भी रहता है। इससे पता चल जाता है एंगल काइंड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट हो रहा है, बिहेव कर रहा है। ये समझ में आ रहा है, इसको मैग्नीट्यूड भी रहता है एज वेल एज डायरेक्शन भी, क्योंकि रोटेशन जो रहेगा तो आपका सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, आपका रोटेशन किसके अलॉन्ग हो रहा है ये भी मैटर करता है। उसमें से अप टू 10 हमने जिस एंगल के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया दैट इज राइट एंगल। हम ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे ही सबसे पहले क्यों सीखते हैं, इसका सेंस आपको यहाँ पर समझ में आएगा, क्योंकि राइट एंगल होता क्या है, व्हेन अमाउंट ऑफ रोटेशन creates a quarter circle it is denoted as consangle right angle। पर जैसे ही ये सीखते हैं हम सीधा किसके ऊपर एंट्री मारेंगे जी, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। अब यहां पर मैं OX को अगर 90 डिग्री पर रोटेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, OY को अगेन 90 डिग्री पर रोटेट करूंगा तो OX dash को अगेन 90 डिग्री पर रोटेट। अब देखो मैंने 90 डिग्री बोला इसलिए मैं रोटेशन कैसा है यार, एंटी क्लॉक अगर मैं माइनस 90 बोलता हूँ ऐसा जाता। देख OY को 90 डिग्री में रोटेट किया तो इधर गया, OY को माइनस 90 डिग्री में रोटेट किया तो क्लॉकवाइज ऐसा जाएगा, ये ठीक है। तो ये जो हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वजह से कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, चार पार्ट्स में। इन चार पार्ट्स को हम क्या बुलाते हैं जी, क्वाड्रेंट्स। ये रहता है जी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रहेगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये रहेगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये रहेगा हमारा फोर्थ। ये क्लियर है तुम्हें। अब जब भी हम कार्टेशियन प्लेन के ऊपर एंगल गिनने के लिए जाते हो ईश्वर, हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस को स्टार्टिंग या फिर इनिशियल साइड इनिशियल पोजीशन ऐसा करेंगे। जब भी हम कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कभी भी एंगल गिनने के लिए जाएंगे, अगर भाई ये इनिशियल साइड है एंगल के लिए हमारा कोई तो दूसरा साइड रहेगा, मतलब अगर ये बोला जैसे दिस इज ओ तो यहाँ पर आपका रोटेशन थीटा मतलब ये वाला पार्ट रहेगा। मैंने अगर ले जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट बी ले लिया तो ये क्या बन गया अब आपका ओ बी, तो ये ओ बी का रोटेशन या फिर कितना बोलेंगे हम, अगेन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही ये रोटेशन रहेगा। अब अगर यहाँ पर अगर मैंने ये वाला एंगल अगर बोला, अगेन पॉजिटिव डिरेक्शन से ही ये वाले सेंस में इसका ये एंगल ऑफ मेजरमेंट, इस वजह से आ रहा है।
तो हमेशा क्वाड्रेंट वाइज, सॉरी एक्स वाई प्लेन के ऊपर जब भी हम एंगल गिनने के लिए जाएंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑन एक्स वाई प्लेन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज इनिशियल साइड डिनोट्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इनिशियल साइड डिनोट्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और आपका जो टर्मिनल साइड है या फिर जो फाइनल साइड है, आपका जो दूसरा साइड रहेगा वो आपका टर्मिनल साइड रहेगा, बट इनिशियल साइड हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसलिए हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जब भी हम एंगल गिनते हैं कहाँ से गिनेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही गिनेंगे, ठीक है। System of measurement of angles। अब तक देखो हमने एंगल क्या रहता है वो देखा, एंगल इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ रोटेशन अलॉन्ग फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के अलॉन्ग हम कितना रोटेट करते हैं वो हमारा एंगल रहेगा। बट ये एंगल गिनने का कुछ तो तरीका हमें बनाना ही पड़ेगा, जैसे कि हमने डेसिमल नंबर सिस्टम काउंटिंग के लिए यूज करता है तो हमने खुद का एक सिस्टम बनाया हुआ। सिमिलरली अगर एंगल अगर गिनना रहेगा तो उसके लिए भी हमारे कुछ सिस्टम्स क्रिएटेड होते हैं, उनको देखते हैं हम। सबसे पहला वाला सिस्टम इज सेक्साडेसिमल सिस्टम। ये जो सारे के सारे सिस्टम्स बनाए हुए हैं किसके रेफरेंस में बनाए हुए हैं, राइट एंगल के रेफरेंस में ही बनाए, तो भाई इनको हम जो डिफाइन करेंगे हमेशा राइट एंगल के टर्म में ही करके चलेंगे। सेक्साडेसिमल सिस्टम इसको हम बोल के चलेंगे, ए सिस्टम इन विच ए राइट एंगल is divided into 90 equal parts। राइट एंगल को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, इक्वल 90 पार्ट्स, इसलिए 90 डिग्री बोले तो राइट एंगल। मतलब ये कौन सा वाला सिस्टम है कि हम जो बोलते हैं डिग्री वाला सिस्टम, दैट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसमें हम जब भी किसी एंगल को गिनते हैं इसका यूनिट क्या रहेगा हमारा, डिग्री, ये क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, डेफिनेशन के हिसाब से हम क्या करेंगे इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, अ सिस्टम इन विच ए राइट एंगल, कितने राइट एंगल, वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, और ये जो भी पार्ट्स है इनको हम क्या बुलाते हैं, डिग्रीज बुलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, मतलब ये कितना रहेगा आपका, इट विल बी 90 डिग्रीज। तो इसी का मतलब क्या रहेगा, 1 डिग्री मतलब कितना रहेगा, वन राइट एंगल अपॉन 90। अब एक राइट एंगल तो कांस्टेंट है, बराबर, राइट एंगल मतलब क्या बोला था, क्वार्टर सर्कल,
एक राइट एंगल कांस्टेंट रहता है, 90 भी कांस्टेंट, एक कांस्टेंट को अगर आप कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हिंट देता हूँ, कांस्टेंट मिलता है, ठीक है, तो मतलब 1 डिग्री कैसा टर्म है, एक कांस्टेंट का, कौन से सिस्टम का, हेक्साडेसिमल सिस्टम का, अभी हम काइकली यूज करते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो मतलब हमें पहला वाला तरीका पता चल गया, हम एंगल को किस में गिनेंगे, डिग्रीज में गिनते हैं, जिसके अकॉर्डिंग 1 right angle is equal to 90 degrees, इतना भी फिर याद रखो कि वो भी इनफ हो जाता है। वन डिग्री इज इक्वल टू हम पकड़ के चलते हैं कि 60 minutes एंड 1 मिनट इज इक्वल टू हम पकड़ के चलते हैं कि 60 seconds। अरे भाई 90 degrees को हम कैसे लिखते हैं जी, इस तरीके। अब 1 degree इक्वल टू 60 minutes, तो ये 1 degree ऐसा रहेगा, 60 minutes हम कैसे लिखेंगे, सिंगल डैश के साथ, 1 मिनट मतलब 1 सिंगल डैश, 60 seconds मतलब 60 डबल डैश के साथ। ऊपर जो लिखा है वो वोकैबुलरी लैंग्वेज वाले फॉर्मेट में लिखा है, नीचे हमने मैथमेटिकल फॉर्मेट ज़्यादा थोड़ा सा स्पेस में लिखता हूँ। 1 degree equal to 60 minutes, and 1 minute is equal to 60 seconds. हमने सबसे पहले एंगल गिनने के लिए यही सिस्टम यूज किया है बचपन से, डिग्री में गिनते आए। दूसरा वाला सिस्टम रहता है जी, सेंटेसिमल सिस्टम। अगेन इसको भी हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, जैसे सेक्साडेसिमल को किया जाता है, इट इज अ सिस्टम इन विच ए राइट एंगल is divided into 100 equal parts. ये जो 100 equal parts है तो इनको हम क्या बुलाते हैं, ब्रेक्स। देखो इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या हुआ, 1 right angle is equal to कितने ग्रेड्स, 100 ग्रेड्स, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। डिग्रीज के लिए ऊपर वो बिंदी लगाते हैं डॉट, ग्रेड्स के लिए ऊपर जी लगाते हैं, ठीक है। बट आई विल सजेस्ट ये कैपिटल जी वाला लिखोगे तो लीजिए, अदरवाइज आप उस जी को 9 8 पर ओमेगा लिख सकते हो। अगेन जैसे 1 degree को 60 minutes में किया, यहाँ पर इन्होंने 1 grade को क्या बोला है जी, कितने मिनट्स, 100 minutes, इसी का मतलब 1 grade इज इक्वल टू 100 minutes। And 1 minute is equal to how many seconds? 100 seconds.
पहले ये दोनों सिस्टम को हम अच्छे से समझ लेंगे, उसमें से हम सबसे ज़्यादा कौन सा वाला यूज़ करते हैं जी? डिग्री वाला सिस्टम, ठीक है, क्योंकि हमारे डेली लाइफ से मैच भी करता है। सबसे पहले हमें ये इंट्रोड्यूस हुआ है फॉर द स्पीकर, हम कौन सा वाला डालते हैं या फिर पसंद नहीं करते हैं या फिर अवॉइड करना पसंद नहीं, सेंटिस में, ठीक है, ग्रेड्स के अंदर हमें 90 डिग्री बोले तो राइट एंगल, राइट एंगल इसकी आदत हो चुकी है। 100 ग्रेड मतलब 1 राइट एंगल मतलब बहुत, अपना पूरा का पूरा सिस्टम ही हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों में से हम किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये वाले, ठीक है। हम देखेंगे कि हमारा तीसरा सिस्टम सर्कुलर सिस्टम, बिकॉज एंगल को हमने डिफाइन जिस तरीके से किया भी वहां पर क्या होता है हमारा रोटेशन होता है, ओके। राइट एंगल को भी हमने किस तरीके से डिफाइन किया था भाई, जब रोटेशन आपका क्या बना था, एक क्वार्टर सर्कल बना, क्या बना था, एक क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल मतलब 1/4 ऑफ होल सर्कल जब बनाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल बनाता है। मतलब क्वार्टर सर्कल को अगर कंप्लीट कर दिया तो वो एक कंप्लीट सर्कल बन जाए, और सर्कल में क्या रहता है आपका फिक्स पॉइंट गिवन रहता है, दैट इज सेंटर, और पेरीमीटर पे अगर आप कोई भी एक पॉइंट अगर पकड़ते हो तो ये रोटेशन कंप्लीट करेगा, एक प्लेन भी कंप्लीट करेगा। इसमें हमारा सर्कुलर सिस्टम हम यूज करते हैं जब हम एडवांस लेवल पे जाते हैं। इस सर्कुलर सिस्टम में हमारा यूनिट क्या होता है जी, रेडियन। अब ये रेडियन आया कहाँ से ये पहले समझ लो, डिग्री समझ में आ गया, राइट एंगल डिवाइडेड इनटू 90 पार्ट्स, ग्रेड समझ में आ गया, राइट एंगल डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स, ओके। सर्कुलर सिस्टम राइट एंगल के ऊपर काम नहीं करता, राइट एंगल में जो सर्कल डिफाइन किया है उस सर्कल को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो पहले इसका ओरिजिन देख लो, बाहर में लिखवा दूंगा, ये मेरा सर्कल है और ये मेरा है जी रेडियस, ठीक है। इस रेडियस को मैंने इस तरीके से रोटेट किया तो देखो यहाँ पर क्या बन, दिस इज पॉइंट ए ओ और ये बी, और आपका ये आर्क ए बी बनेगा, आर्क ए बी बना, ठीक है। ये आर्क का लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर भी डिपेंड करता है, एज वेल एज ये जो सेंटर पे जो एंगल रहता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, भूल गया, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपका याद है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इनटू 2 बाय आर, क्योंकि आर पूरे सर्कल का आर्क मतलब पेरीमीटर, उसका छोटा सा पार्ट मतलब 360 का जितना एंगल लोगे डिग्री में उतना ही हम किसका लेंगे जी, पेरीमीटर का उतना ही पार्ट लेंगे सुनेंगे, ये समझ में आ गया, लेंथ ऑफ आर्क तो समझ में आ रहा है। अब ये रेडियन क्या होता है उसकी तरफ जाएंगे, व्हेन लेंथ ऑफ दिस आर्क इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इट्स रेडियस, एक सर्कल के अंदर जो रेडियस का लेंथ है वही किसका लेंथ है, हमारे आर्क का लेंथ जब रहता है तो सेंटर पे जो एंगल बनता है इट इज कॉल्ड एज डिग्री, राइट एंगल कांस्टेंट होता है इसलिए 1 डिग्री भी कांस्टेंट रहता है, 1 ग्रेड भी कांस्टेंट होता है और 1 रेडियन भी कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। रेडियन कैसे क्रिएट हो रहा है समझ में आया, एक सर्कल के अंदर एक आर्क का लेंथ जब किसके बराबर रहेगा, उसी की रेडियस के बराबर रहेगा, ठीक है। तो जो एंगल बनता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियन, क्या बोलते हमने प्रीवियस की तरह राइट एंगल को डिवाइड करते नहीं बैठे हर एक तरीके, हमें सीधा सर्कल को, ठीक है। तो सबसे पहले ये डायग्राम बना लो, सेटअप क्रिएट किया हुआ उसको स्टेटमेंट में लिख दो, ठीक है।
मेजर ऑफ एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल व्हेन लेंथ ऑफ आर्क ए बी व्हेन लेंथ ऑफ आर्क is equal to its radius डायग्राम अगर हो गया होगा इसको रीड करोगे आपको समझ में आएगा. मेजर ऑफ एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, कौन से एंगल की बात कर रहे हैं जो सेंटर पे बन रहा है. व्हेन कंडीशन आ गया लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू इट्स रेडियस, जो आर्क का लेंथ है वही हमारे रेडियस का है. को ऐसे भी दिखाया जाता है वन अपोस्ट्रोफी में क्या डालेंगे इंडेक्स में क्या लिखेंगे आप सी. आर्क ए बी और लेजर से हमने ये अपोजिट साइड पे एक और पॉइंट ले लिया पॉइंट सी अपॉन आर्क ए बी सी. मुझे बात बताओ आर्क सेंटर वाले एंगल पे डिपेंड करता है, और अगर मैंने ये ए सी अगर एक डायमीटर अगर बोला तो ए ओ सी एंगल कितना हो जाता है 180 डिग्री ठीक है. और मेरा पूरा का पूरा पेरीमीटर कितना रहता है 2 पाई आर, तो आधे सर्कल का है सेमी सर्कल का सिर्फ ये आर्क एसी का लेंथ कितना होगा पाया ठीक है. तो मैं समझ तो आर्क एबी अपॉन आर्क एबीसी मतलब ये पूरा लंबा वाला इज इक्वल टू इनका रेशियो जिसके बराबर रहेगा जी एंगल एओबी अपॉन एंगल एओसी इज आपसे रहेगा. हमें देखो क्या फाइंड आउट करना है, हमें एंगल एओबी फाइंड आउट करना है. हमने ये रेशियो ले लिया जो फॉर्मूला हमें पता है उसके हिसाब से. अब ये आर्क ऑफ सॉरी लेंथ ऑफ आर्क ए बी कितना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. वन रेडियन कब बनता है व्हेन लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू इट्स रेडियस. हमारा आर्क कौन सा बना था वहां पर ए बी ठीक है, तो इसका लेंथ हमने क्या लिखा जी आर. अब देखो आर्क ए बी से मतलब कितना है ए बी सी, ये पूरे सर्कल का आधा पार्ट है. पूरे सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर होता है, तो उसका आधा कितना होगा पाई आर हो जाएगा. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ आर्क एबीसी का लेंथ कितना है जी पाई आर. ये एंगल एओबी हमें फाइंड आउट करना है, ये एंगल एओसी कितना है 180 डिग्री है 180 डिग्री है. तो उसको हमने क्या किया जी वैसा का वैसा ही लिख दिया. ये इक्वेशन कहाँ से आया समझ में आया, यहां पर चाहे तो लिख दो सिंस लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेजर ऑफ एंगल एट सेंटर इसलिए ये रेशियो में रहेगा. अब देखो यहां पर क्या होगा आर और आर कैंसिल हो जाएगा, इधर का 180 इधर ऊपर चला जाएगा. तो देखो आपका एंगल एओबी क्या बनता है
आपको एंगल ए ओ बी मिलता है जी 180 डिग्री अपॉन पाई। और ये एंगल ए ओ बी बेसिकली क्या है जी 1 रेडियन। तो देखो आपको 1 रेडियन का वैल्यू मिल गया, ठीक है। 1 रेडियन मतलब कितना, 180 डिग्री अपॉन पाई। अब उधर जो पाई डिवीजन में है इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन, और इधर 1 था 1 रेडियन और 1 इंटू पाई रेडियन। तो इसी का मतलब आपको नेक्स्ट एक ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। अब समझ में आ रहा है, हम 60 डिग्री को पाई बाई 3 जो लिखते हैं। कोई है जिसको रेडियन समझ में नहीं आ रहा, अभी क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर में बाद में नहीं आ रहा। कौन है जिसको रेडियन समझ में नहीं आ रहा? की वैल्यू 180 कैसे होती है? पाई इज इक्वल टू 180 पाई रेडियन था इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखा था। वो जो पाई लिखा था हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसका यूनिट हम बोले नहीं थे, बट क्या होता है रेडियन एंगल 90 है, तो क्या 90 डिग्री 90 रेडियन 90 ग्रेड्स। अब हमारे यहाँ पर एंगल गिनने की कितने सिस्टम है, 3। उसमें से हम दूसरे वाले को ज़्यादा भाव नहीं देते, हम सबसे ज़्यादा किसके ऊपर काम कर चुके पहले और तीसरे के ऊपर। पहला भाई तो वो था जो हमें बचपन में इंट्रोड्यूस हुआ था, एंगल गिनना डिग्री में शुरुआत किया था। आपके जो दो सर्कल था क्या, सेमी सर्कल वाला भाई, उसके अंदर जो एंगल रहते थे वो कैसे थे, डिग्रीज में। बट हम ज़्यादा टेक्निकल में जब जाते हैं ना तो पाई के अंदर काम करना पड़ेगा। जब भी आपका कर्व आएगा तब तब आपका पाई आता है, ये क्लियर है। हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर में पाई लिखते थे इट वॉज पाई रेडियन, जिसको हम 180 बोलते थे, बट 180 क्या है, 180 डिग्री। हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। ट्रिग्नोमेट्री भले हमने शुरू किया है, जब तक हमें एक एंगल के बारे में सब कुछ नहीं पता तब तक हम तीन एंगल्स वाला ट्रिग्नोमेट्री कैसे हैंडल करेंगे भाई, ये समझ में आ रहा है? एक एक करके लिखता है। तो वही पिछला वाला लेकर चलेंगे, हमें 1 रेडियन का वैल्यू मिला था, 1 रेडियन का वैल्यू क्या मिला, एंगल ए ओ बी। हमने क्या लिखा था जी, 1 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री अपॉन पाई। अब देखो 180 डिग्री कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, इसका मतलब रेडियन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ पर हम सीधा क्या बोलते हैं जी, 1 रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, एक कांस्टेंट एंगल। अब इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, रेडियन इधर है डिग्री उधर है, पाई को अगर इधर लेकर आएंगे तो हमें क्या मिलता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसको ऐसा लिख के चलते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हमें कोई भी एंगल अगर रेडियन में दिया रहेगा तो हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ता है, या फिर डिग्री में दिया रहेगा तो हमें रेडियन में कन्वर्ट करना, कैसे करें ये रिलेशन आपको याद रखना, ठीक है। सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, हमें एंगल किस में दिया है,
रेडियन में दिया रहेगा और हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर आर के साथ कौन है, पाए मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाएगा तो डिवीजन में। तो हम सीधा क्या बोलते हैं जी, वन रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाए टाइम्स ऑफ डिग्री, कोई भी वैल्यू डाल के दो। अगर मैंने बोला रेडियन में दिया है जी 3π/2, रेडियन में क्या बोला है जी 3π/2, ये एंगल दिया है किसमें, रेडियन में। आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में। हम सीधा इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पाई और पाई कैंसिल, 2 और ये 90, 19 × 3 = 270। तो हमें कितने डिग्री की बात कर रहे हैं आप, हम 270 डिग्री की। समझ में आ गया, रेडियन से लेकर डिग्री अगर जाना है तो रेशियो क्या रहेगा आपका, 180 बाय पाई। और यही अगर आपको डिग्री को किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में करना है, तो फिर डिग्री का साथ ही कौन है, 180। इधर मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाएगा तो डिवीजन में। तो हम क्या बोलेंगे, डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना रहेगा, हम डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, रेडियन मिल जाएगा। डिग्री मल्टीप्लाइड विथ पाई बाय 80 इज इक्वल टू आपको कौन से वाले सिस्टम में मिलेगा जी, रेडियन में मिलेगा। एंड व्हेन रेडियन मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई, आपको किसके अंदर वैल्यू मिलेगा, डिग्री के अंदर। तो देखो याद रखना बहुत सिंपल है, ये रेशियो में कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा, आप इसी में कन्फ्यूज होंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा। आपको किस में जाना है उसके बारे में, आपको डिग्री में जाना है, 180 डिग्री ऊपर रहेगा, आपको रेडियन में जाना पाई ऊपर, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह देंगे, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया। ये कन्वर्जन आना जरूरी है, तो हमारे आप जो भी 360 से नीचे वाले सारे के सारे स्टैंडर्ड एंगल्स हमें पता रहता है, हम उनको किसमें कन्वर्ट करेंगे, डिग्री वाला पता है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन के। ये वाला करो, कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियंस, सबसे पहला वाला 30 degree, 60 degree, 135 degree, 225 degree, 15 degree, 75 degree, आपको डिग्री में दिया, आपको किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में। देखो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें जो भी एंगल है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। Pi by 8 radian, 2 pi by 15 radian,
7 पाई बाय 12 रेडियन पहले वाले का आ गया सबका yes. देखो बहुत सिंपल है, पहले का आंसर क्या है जी आपका 5/6, सेकंड 5/3, थर्ड 3/4। अब देखो यहाँ पर आपको हेल्प कौन करेगा, आपको 180 के फैक्टर्स अगर पता रहेंगे हेल्प होता है। 180 into 1 is nothing but 90 into 2, which is 60 into 3, which is 45 into 4, which is 36 into 5, which is 30 into 6. Fourth, 225 degree. ये कितना है जी आपका, कितना रेडियन आना चाहिए? याद है जी आपका 5 pi by 4. देखो ना 225 को आप ऐसा लिख सकते हो ना 180 plus 45. 180 पाई होता है, 45 कौन होता है, पाई बाय 4 होता है, पाई प्लस पाई बाय 4 कितना होता है 5 पाई बाय 4। 15 डिग्री, 15 डिग्री को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से, देखो कौन मिलता है। पांचवे का आंसर आपको क्या मिलना चाहिए जी, पाई बाय 12। इसको करने का और सिंपल तरीका, आपको 30 पता है ना, 30 का दिया है ना, 30 का क्या मिला, पाई बाय 6। 30 को किससे डिवाइड करेंगे तो 15 मिलता है, 2 से, तो पाई बाय 6 को किस से डिवाइड करेंगे तो 15 मिलेगा। दो समझ में आ रहा है, सेम पैटर्न, सेम पैटर्न। 75 डिग्री, 15 इंटू 5 हमें क्या मिलता है, 75। 15 डिग्री हमें पता, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन मिलता है, 75 डिग्री। तो ये 75 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2। तो हमारा ये क्या हो जाएगा जी, 11 पाई बाय 12। नेक्स्ट 315, 315 अरे बड़ा वाला है, उसको 300 प्लस 15 भी लिख सकते हैं, 360 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का सबसे इंटरेस्टिंग तरीका, दिस इज 180 प्लस 130। और 180 पाई होता है, और 130 पाई हमने कैलकुलेट किया था 3 पाई बाय 4, पाई प्लस 3 पाई बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा जी हमारा, पाई प्लस 3 पाई बाय 4, ये बन जाएगा हमारा 7 पाई बाय 4। अगर ये अभी भी अगर याद नहीं रहता तो इसको करने का आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, क्या है वो देखो, 180 के फैक्टर्स निकालो, डिग्री 180 इंटू 1, इसको अगर मैं दो पार्ट में करूंगा तो ये क्या हो जाता है 90, इसी को अगर मैं तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा 60, इसी को अगर मैं चार पार्ट में डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा 45, पांच में करूंगा तो क्या बन जाएगा 36, छह में करूंगा तो क्या बनता है 30, सात में करते नहीं बैठते, सात अपना प्राइम नंबर है, आठ मतलब क्या रहेगा, चार का भी आधार रहेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 22.5 डिग्री टाइम्स ऑफ 8, इतना नहीं जाएगा, ठीक है। अब 9 से डिवाइड करेंगे, देखो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 180 मिलता है, 20 डिग्री, दिस 20 इनटू 9, 10 के हिसाब से देखेंगे तो 18 डिग्री इनटू 10, और आगे जाते जाते आपको कॉल मिलता है 15 डिग्री इनटू 10। अब यहाँ पर ये जो मल्टीप्लीकेशन में आप देखो ना,
हम किसकी बात कर रहे हैं? रेडियन की बात, पाई के साथ। यहाँ पर ये डिग्रीज के साथ जो मल्टीपल है यहाँ पर, ये उधर पाई का जब डिवीजन में जाएंगे तो उनका वैल्यू इक्वल हो जाता है। लाइक 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 1, मतलब कितना रेडियन? पाई रेडियन। 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। समझ में आ रहा? पाई के डिनोमिनेटर में कौन डाल रहे हो आप? इनको डाल रहे हो। समझ में आ रहा? 60 डिग्री मतलब कौन? पाई बाय 3 रेडियन। 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4 रेडियन। 36 डिग्री मतलब पाई बाय 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6, ये मतलब पाई बाय 8 अगर पूछा गया तो। 20 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं? पाई बाय 9। 18 डिग्री को हम लिखेंगे पाई बाय 10। और सबसे एंड में जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, बट आपको दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता, ये रहता है जो हमारा 15 डिग्री का वैल्यू अगर कर लिया तो भाई इस टाइप के आपको आराम से करने आते हैं। लाइक 160 को, 165 को हम 180 माइनस 15 भी लिख सकते हैं। 180 मतलब पाई, 15 मतलब पाई बाय 12, पाई माइनस पाई बाय 12। आगे हमें क्या मिलेगा? 11 पाई बाय 12 ही मिलेगा। ये क्लियर है? आगे वो वाला पार्ट, हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते थे तो डिग्री का क्या मिलता था? रेडियन। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते थे। अब यही पाई बाय 180 को हम रेसिप्रोकल करेंगे। हम क्या करेंगे? 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन मिलेगा हमें? डिग्री मिलेगा। हमें हर एक नंबर को क्या करना है जी? 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। देखो क्या मिलता है। पहला वाला क्वेश्चन क्या है? हमें क्या फाइंड आउट करना है? पाई बाय 8। हमने इधर ही फाइंड आउट किया एक्चुअली, देखते थे 5/8 मतलब कितना डिग्री? 22.5। मतलब ये क्या बन जाएगा अपना? कितना डिग्री? 22.5 डिग्री। 2/12, अब देखो इसको हमें क्या करना है। 2/15 है। 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई और पाई कैंसिल। 15 ones are 15, 15 12s are 180, 12 into 2 24, मतलब ये कितना डिग्री हो गया? ये 24 डिग्री हो गया। यहाँ पर अगेन क्या करेंगे हम? 180 बाय पाई से 12 15 15 7 ये पाई पाई कैंसिल, ये आपका कितना डिग्री हो गया? 105 डिग्री हो गया। 18 पाई बाय 5, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई पाई कैंसिल। 18 इंटू 1800 ये हो जाता है आपका 3240 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा आपके जी 648 डिग्री हो जाएगा। कभी कभी कैलकुलेशन ईजिली आ जाएगा, कहीं कहीं आपको ज़्यादा स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ाने पड़ सकते। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में किसी को कोई डाउट? एवरीवन ठीक है? हम कौन से दो सिस्टम यूज करते हैं? डिग्री वाला एंड रेडियन। ये दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करना बहुत इसेंशियल है, बहुत नेसेसरी। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या शुरू करेंगे? अब अपना एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन शुरू करेंगे। बट ट्रिग्नोमेट्री एक किस टाइप का फंक्शन है जी? वो रियल एंगल से रियल नंबर पर जाने वाला एक फंक्शन। हम यहीं से कब शुरू? ठीक है, तब तक मेजरमेंट ऑफ एंगल्स अच्छे से होना चाहिए। तड़ैत मड़ैत खेड़ा सरका अलग पाइए, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। ठीक है।